कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस महानगर पालिका चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। यह बयान महाविकास आघाड़ी दलों में चल रही वर्चस्व की लड़ाई का संकेत देता है। बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस और एनसीपी भले ही एक साथ चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं और सत्तारूढ़ सरकार को समर्थन देने के नाम पर शिवसेना को पछाड़ना और खुद का वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। क्या 2022 के एनएमएमसी चुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? क्या एकजुटता का दावा करने वाली तीनों पार्टियां बिखर जाएंगी? क्या मतभेदों की नींव पर बना गठबंधन बीजेपी को हरा पाएगा? जी हां, यह सवाल तब से फिर गर्मा गए हैं जब से कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया है कि कांग्रेस मनपा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। तो सवाल यह है कि क्या साथ साथ सत्ता भोग रहे महाविकास आघाड़ी के दल अब महानगर पालिका चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे? बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के दल भले ही एक साथ चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस और एनसीपी सत्तारूढ़ सरकार को समर्थन देने के नाम पर खुद का वर्चस्व स्थापित करने में जुटे हैं। कहने के लिए यह मुकाबला भले ही बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है, लेकिन असली लड़ाई तो शिवसेना को कमजोर कर खुद का वर्चस्व स्थापित करने की है। आप भी सुन लीजिए। अब महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों आमने सामने नैरेटिव एक सेट किया जा रहा है, लेकिन अगर आप हकीकत जमीनी तौर पर अगर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बूथ लेवल पे अपने अपने जगह पे काम कर रही है। अभी नवी मुंबई का अगर आप देखेंगे तो आप ही के चैनल पे मैंने न्यूज़ देखा था कि तीनों की मीटिंग हो गई और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाए और वो भेज दिए अपने अपने सुप्रीम अथॉरिटी को जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद नाना पटोले जी का जो स्टेटमेंट आया कि स्थानीय स्वराज्य संस्था पे कांग्रेस ये अकेले लड़ेगी। अब कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस को बीएमसी में भी चाहिए सीट्स, टीएमसी में भी चाहिए, एनएमएमसी में भी चाहिए, कि पनवेल में भी चाहिए, जहां पे उन वो लोग अभी बहुत ही निग्लिजिबल ताकत रखते हैं। अब महाविकास आघाड़ी का सहारे से वो अपनी सीट्स बढ़ा सकते हैं। ऐसे वक्त पे अगर ये सीट शेयरिंग अगर हो जाता है तो शिवसेना को बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले चुनाव के बाद भुगतना पड़ सकता है, जिसका असर 2024 के चुनाव पे भी पड़ जाएगा। और अगर नहीं देते तो फिर कॉरपोरेशन में क्या होगा, ये सवाल आ जाता है। बताना जरूरी है कि पूर्व मंत्री गणेश नाइक के बीजेपी में जाने से पहले नवी मुंबई में एनसीपी की सत्ता थी, तब विरोधी खेमे में रही शिवसेना अब महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद नवी मुंबई में भगवा लहराकर खुद का महापौर बनाने का दावा ठोक रही है। असल में अपने 45 नगर सेवकों के जनाधार के दम पर शिवसेना का यह दावा करना स्वाभाविक है, लेकिन असली सवाल तो उस एनसीपी का है जिसकी पहचान छिन गई है। सवाल उस कांग्रेस का भी है जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि महाविकास आघाड़ी नेताओं का दावा है कि गठबंधन होगा और जीत भी होगी। सवाल यह है कि फिर दोनों दलों में जीत की तैयारी क्यों नहीं दिख रही? शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये महाविकास आघाड़ी किस लिए स्थापन किया कि उनको सत्ता चाहिए था, और महाविकास आघाड़ी में जनता ने राष्ट्रवादी और कांग्रेस को दूसरी बार नकारा था। ऐसे वक्त में शिवसेना के वजह से उनको जीवन दान मिला। अब वो जीवन दान मिलने के बाद शिवसेना के जो तंबू का सहारा लेके राष्ट्रवादी और कांग्रेस अपना अपना मतितार्थ सादर कर रही है।
अब इसमें अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी तो खामोश है, एनएमएमसी जब नाइक साहब राष्ट्रवादी के साथ थे तब एनएमएमसी की सत्ता उनके पास थी, आज पूरा का पूरा पलड़ा ही पलट गया, पलट चुका है। आज राष्ट्रवादी कहीं की नहीं है, फिर भी राष्ट्रवादी खामोश है, क्योंकि उनको पता है कि हमको हमारे पॉकेट्स की सीट्स कब लेनी है। कांग्रेस अपने संघर्ष कर रही है पुनरुज्जीवन के लिए, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे आपके थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एनएमएमसी है, और भी महत्वपूर्ण कॉरपोरेशन है, वहाँ पे उनको मौका मिल सकता है सर्वाइवल के लिए। और सबसे मेन हार्ट जो है शिवसेना का वो है बीएमसी। अब वहाँ पे कांग्रेस ने एक दाव चला हुआ है कि जिस दाव के जरिए ये लोग करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि महाविकास आघाड़ी में तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर तीनों लोग में से कोई भी अगर अपना सपोर्ट विड्रॉ करता है तो ये गवर्नमेंट कोलैप्स होती है। बीजेपी नेता विजय घाटे ने स्थानीय महाअघाड़ी नेताओं की हालिया बैठक का हवाला देकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए जहां सत्ता विकास और जनकल्याण का साधन है, वहीं एनसीपी और कांग्रेस के लिए सत्ता फायदा कमाने का जरिया है, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेता एकजुटता का दिखावा करते रहे हैं, जबकि अंदर खाने सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। उनकी खामोशी शिवसेना के सहारे खुद को बचाने और वर्चस्व बढ़ाने की बड़ी रणनीति दिखती है। विजय घाटे ने शिवसैनिकों को चेताया कि चुनाव की आड़ में राष्ट्रवादी और कांग्रेस शिवसेना को पछाड़कर अपना सिक्का जमाएंगे, जिसका नुकसान आगे उन्हें देखने को मिल सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सत्ता ये साध्य नहीं है, सत्ता ये जनसेवा का साधन है। अब महाविकास आघाड़ी का अगर पूर्व पीठिका देखेंगे, तीनों आ गए वो किस लिए आए? क्यों? सत्ता हमको साध्य है, इस भावना से तीनों जुड़े हुए। शिवसेना को चाहिए था सीएम पोस्ट, जो नकारा गया था राष्ट्रवादी कांग्रेस को, उनको पुनरुज्जीवन चाहिए था पॉलिटिकली, और उस पुनरुज्जीवन के साथ साथ ही पॉलिटिक्स भी करना था और सत्ता अपने हाथ में रखना था, ये एक ही मकसद उनका है। आज मैं नवी मुंबई के बारे में सोचता हूँ तो हमारे जो नेतृत्व है या मेरी पार्टी जो नवी मुंबई में सेवा भाव से काम कर रहे हैं, और इनको क्या चाहिए कि हमको यहाँ भी सत्ता का साझेदारी चाहिए। तो ये इनका जो तीनों का समीकरण जो चल रहा है, ये पावर शेयर का ऊपर चल रहा है, लोगों के सेवा के लिए नहीं चल रहा है, ये दोनों में फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।